गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स। बेटा क्लास 11th में हमारा स्टैटिस्टिक्स वाला चल रहा है पोर्शन, और इसमें हम चेक कर रहे हैं अपना चैप्टर अरिथमेटिक मीन, या जिसे हम सिंपली मीन भी कहते हैं। ऑलरेडी वी हैव टेकन टू और थ्री क्लासेस ऑफ द मीन। मीन की बेटा 3 से 4 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। नाउ टुडे आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। इट इज अवर फाइनल क्लास ऑफ मीन। तो बेटा हमने मीन की कैलकुलेशन देख ली थी, तीनों सीरीज में देख लीजिएगा। अगर कुछ रिवीजन देखें तो तीनों सीरीज में मीन की कैलकुलेशन कर चुके थे, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, डिस्क्रीट सीरीज हो, या फिर हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज हो। उसके बाद बेटा फिर हमने अलग अलग हेड्स भी देखे। अगर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है तो कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं, अगर मिड वैल्यू सीरीज गिवन है तो कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं, या अगर इंक्लूसिव सीरीज गिवन है तो कैसे मीन कैलकुलेट करते हैं। नाउ टुडे आज हम करेंगे बेटा कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड मीन। सही मीन कैसे निकालना, सही मीन का मतलब क्या है यहां पर बेटा? कभी कभी ऐसा होता है कि मीन निकालते टाइम पर हम कोई फिगर गलत ले लेते हैं, या कोई आइटम हमने गलत ले ली। सपोज अगर हमने कोई आइटम 50, 60 से 65 ले लिया तो हमारा मीन भी गलत हो गया। तो उस केस में हम मीन कैसे सही करेंगे, मीन अपना सही मीन कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं क्वेश्चन। मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर 40। 100 स्टूडेंट्स के मीन मार्क्स कितने हैं? 40 हैं। वन वैल्यू वॉज 83 instead of 53। तो ये है बेटा हमारा क्वेश्चन। मीन मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स आर 40। 100 स्टूडेंट के जो मीन मार्क्स हमने निकाले वो 40 थे। वन वैल्यू वॉज टेकन एज 83। एक वैल्यू हमने ले ली 83 इंस्टेड ऑफ 53। एक्चुअल वैल्यू क्या थी मेरी? 53, बट मैंने क्या ले ली? 83। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करें। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं बेटा? 100। मीन कितना है? 40। देन रॉन्ग वैल्यू कितनी है? वन वैल्यू ऑफ टेकन एज 83। 83 ले ली इंस्टेड ऑफ 53। लेनी चाहिए थे 53, ले ली 83। तो रॉन्ग वैल्यू इज 83 एंड करेक्ट वैल्यू इज 53। बेटा कैसे करेंगे? अगर मेरे पास मीन है नंबर ऑफ आइटम्स, अगर मुझे सम पता चल जाए, 100 वैल्यूज का सम पता चल जाए तो मुझे पता चल जाएगा। अगर सम मुझे मिल जाए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाए कि टोटल क्या था, उस टोटल में से रॉन्ग वैल्यू माइनस कर दूं और सही वैल्यू प्लस कर दूं, तो क्या मुझे मिल जाएगा? मुझे सही मीन मिल जाएगा। तो देखते हैं बेटा क्या करेंगे हम। हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो यहां से हम पहले सिग्मा एक्स निकालेंगे। मीन इज 40, सिग्मा एक्स हमें नहीं पता, एन इज 100। देयरफॉर सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 4000। टोटल कितना हो गया ऑब्जर्वेशन का? 4000। अब करेक्ट मीन निकालेंगे। करेक्ट मीन फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस रॉन्ग वैल्यू प्लस करेक्ट वैल्यू अपॉन में n। देन x बार इज इक्वल टू सिग्मा x इज 4000 माइनस 83 प्लस 53। अपॉन एन, एन कितने हमारे? 100। तो यहां क्या होगा? 3970 अपॉन 100
और बी हो गया बेटा हमारा 39.70। ये हमारा करेक्ट मीन हो गया। एक्चुअल पहले हमारा मीन क्या निकला था, 40 मीन था, वट वो रॉन्ग था। अब सही मीन क्या हो गया हमारा, 39.70। ये हमारा करेक्ट मीन है। देन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू फाइंड करना, मिसिंग वैल्यू फाइंड करने में क्या होगा बेटा, कोई वैल्यू मिस होगी हमें उसे फाइंड करना होगा। अभी तक क्या करते थे, हमारे पास सारी वैल्यूज होती थी, हम मीन कैलकुलेट कर लेते थे। अब अगर हमें मीन दे दे और कुछ वैल्यूज दे दे और में से कोई वैल्यू मिसिंग हो तो हम उसे भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखो बेटा। सपोज मीन ऑफ 5 आइटम इज 30। 5 आइटम्स का जो मीन है वो 30 है और हमें कुछ वैल्यूज गिवन है। 4 वैल्यूज आर, 4 वैल्यू हमें गिवन है बेटा, 10, 15, 30, 35। वी हैव 4 वैल्यूज, 4 वैल्यू हमें गिवन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट द फिफ्थ वैल्यू। फिफ्थ वैल्यू फाइंड करो, कर लेंगे सिंपल। मीन का फॉर्मूला लगाएंगे, मीन इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मीन की जगह मीन रख देंगे, मीन इज 30, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी, 10 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 35 और प्लस फिफ्थ वैल्यू अपॉन एन। एन कितने हैं, 5। तो 30 इज इक्वल्स टू 90 प्लस फिफ्थ वैल्यू डिवाइडेड बाय 5 और 30 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 90 प्लस फिफ्थ वैल्यू 150 इज इक्वल्स टू 90 प्लस फिफ्थ वैल्यू और फिफ्थ वैल्यू इज इक्वल्स टू 150 माइनस 90 दैट इज इक्वल्स टू 60। तो बेटा फिफ्थ वैल्यू क्या हो गई हमारी, 60 हो गई। तो दैट्स द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। ये थी बेटा हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी जिसमें हमने मिसिंग वैल्यू निकाली है। इंडिविजुअल सीरीज में हमें ऐसे निकालेंगे मिसिंग वैल्यू, इंडिविजुअल सीरीज में हमने फॉर्मूला लगा दिया किसका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से और हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहां पर फाइंड आउट कर ली। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में कैसे हम मिसिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। देन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में मिसिंग वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सी। वेजेस गिवन है हमें, दैट मींस एक्स, हंड्रेड एंड टेन, हंड्रेड एंड ट्वेल्व, हंड्रेड एंड थर्टीन, हंड्रेड एंड सेवनटीन, देन क्वेश्चन मार्क 125,
एंड 130. नंबर ऑफ वर्कर्स मीन्स एफ फ्रीक्वेंसी 25, 17, 13, 15, 14, 8, 6 and 2. तो बेटा हमें नंबर ऑफ वर्कर्स गिवन है. कैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट, मिसिंग वैल्यू फाइंड करेंगे. ये रही हमारी मिसिंग वैल्यू. एक्स में दिए इन्होंने मिसिंग फिगर. तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लें. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. इसी फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर सकते हैं एफ एक्स का टोटल बनाए. एफ एक्स 110 मल्टीप्लाइड बाय 25. 110 की मल्टीप्लाई करेंगे बेटे 25 से तो क्या आंसर आएगा. 2750. देन 112 इंटू 17. 112 की मल्टीप्लाई करेंगे 17 में 1904. 113 इंटू 13 दैट इज 1469. 117 इंटू 15 1755. यहां पर क्वेश्चन मार्क है. एक्स हमारे पास नहीं है, 14 हमारे पास सिर्फ फ्रीक्वेंसी है, तो हम इसकी मल्टीप्लिकेशन एक्स मान लेंगे. एक्स तो ये हो गया हमारा 14x. देन 125 इंटू 8 1000. 128 इंटू 6 768. और 130 इंटू 2 260. टोटल कर ले सिग्मा एफ एक्स का. सिग्मा एफ एक्स का बेटा टोटल आएगा हमारे पास 9906 प्लस 14x. ये जो x वाला वेरिएबल है ये अलग हो जाएगा, ये इनमें प्लस नहीं होगा. और ऐसे ही f का टोटल कर लेंगे. सिग्मा f इज इक्वल्स टू 100. फॉर्मूला है बेटा हमारे पास. x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा f. और मीन हमें गिवन है 115.86. तो मीन की जगह रख देंगे 115.86 इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स 9906 प्लस 14x अपॉन में 100. ये 100 इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा. 115.86 इंटू 100 इज इक्वल टू 9906 प्लस 14x. कुछ इस तरह ये बन जाएगा हमारा 111586. ये इधर आ जाएगा माइनस 9906 इज इक्वल टू 14x और बचेगा 14x इज इक्वल टू 1680. इफ 14x इज इक्वल टू 1680 देन x इज इक्वल टू 1680 अपॉन 14. तो x इज इक्वल टू 120. x की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी 120 आ गई. x हो गया हमारा 120. नेक्स्ट बेटा मीन कैलकुलेट करेंगे हम क्लास इंटरवल सीरीज में या कॉन्टिन्यूस सीरीज में या फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज में. देखते हैं वेजेस हमें गिवन है. टेन टू ट्वेंटी, ट्वेंटी टू थर्टी, थर्टी टू फोर्टी, फोर्टी टू फिफ्टी, फिफ्टी टू सिक्सटी,
60 to 70 and 70 to 80. वेजेस हो गए बेटा, नंबर ऑफ वर्कर्स यानी एफ हमें गिवन है 5, 3, 4 क्वेश्चन मार्क, फ्रीक्वेंसी नहीं है यहां पर 2, 6 and 13 और बेटा मीन हमें गिवन है, मीन इज 52 mean is equals to 52 mean 52 है क्योंकि mean तो हमें देंगे ही नहीं क्योंकि जब हम पे missing frequency find out करें तो कुछ ना कुछ तो हमें given होगा तो mean हमें given है 52 एक frequency given नहीं है missing है जैसे हमने नाम दे दिया f का formula apply करेंगे सबसे पहले mean is equals to f bar is equals to sigma fm upon sigma f बेटा यहां fx नहीं कहोगे आप यहां sigma fm FM means हमें mid value निकालनी पड़ती है continuous series है तो पहले mid value निकालेंगे M 10 plus 20 is 30 divided by 2 is 15 पहली mid value आ गई 15 अब चेक करो सब में class interval में size कितना है सबका 10 तो 15 में ही plus करते जाएंगे 10 25 35 45 55 65 and 75 देन एफ एम निकालेंगे बेटा अब फिफ्टीन इंटू फाइव सेवेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री सेवेंटी फाइव थर्टी फाइव इंटू फोर 140 45 इंटू एफ तो ये हो गया 45 एफ 55 इंटू टू 110 65 इंटू सिक्स 390 and 75 into 13 975 अब बेटा टोटल कर लेंगे इसका 17655 plus 45 f और फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे फ्रीक्वेंसी हमारे पास सिग्मा एफ इज इक्वल्स टू 33 प्लस एफ इस एफ को अलग कर लेंगे अब फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ एक्स बार इज 52 मीन की जगह रख दिया 52 सिग्मा एफ एम है हमारे पास 1765 प्लस 45 f और एफ हमारे पास 33 प्लस एफ ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा 52 ब्रैकेट में 33 प्लस एफ इज इक्वल टू 1765 प्लस 45 f देन ब्रैकेट ओपन करेंगे इसका 52 मल्टीप्लाई बाय 33 इज 1716 प्लस 52 एफ इज इक्वल्स टू 1765 प्लस 45 f बेटा एफ वाले वेरिएबल एक तरफ ले लेंगे वेरिएबल्स एक तरफ हो जाएंगे कॉन्सोनेंट्स एक तरफ आ जाएंगे 52 एफ माइनस 45 एफ इज इक्वल्स टू 1765 माइनस 1716 ये वाली वैल्यू उधर चली गई और एफ वाली वैल्यू उधर आ गई देन 7f इज इक्वल्स टू 49 और f इज इक्वल्स टू 49 अपॉन 7 और देयरफॉर f इज इक्वल्स टू 7 f की वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास 7 तो यहां हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर ली बस ध्यान रखेंगे मिसिंग फ्रीक्वेंसी के केस में हमें मीन गिवन होता है विदाउट मीन हम नहीं कर सकते क्वेश्चन क्योंकि मीन तो हम तभी निकालेंगे जब हमारे पास सारी फ्रीक्वेंसीज गिवन होंगी तो अगर वो हमसे फ्रीक्वेंसी निकलवा रहा है तो हमें कुछ ना कुछ इन एडिशन उसमें देगा तो दैट इज द क्वेश्चन ऑफ फाइंडिंग द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन कॉन्टिन्यूस सीरीज और इन क्लास इंटरवल सीरीज दूसरी चीज बेटा हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले कॉन्सेप्ट में तीनों सीरीज कर ली है इंडिविजुअल सीरीज डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस और क्लास इंटरवल सीरीज
नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कंबाइंड मीन। अगर हमें दो सीरीज की हो ना तो उसका कंबाइंड मीन बेटा कैसे निकालेंगे, हाउ वी कैलकुलेट द कंबाइंड मीन। अगर हम बात करें किसी भी एक सीरीज के मीन का, तो मैं कहूंगा मीन ऑफ सीरीज वन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वन अपॉन एन वन। और अगर मैं बात करूं दूसरी सीरीज के मीन का, तो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स टू अपॉन एन टू। मतलब पहली वाली सीरीज का मीन निकालने के लिए मुझे पहली वाली सीरीज का सम चाहिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए पहली वाली सीरीज के। देन सेकंड वाली सीरीज का मीन निकालने के लिए बेटा मुझे क्या चाहिए, सेकंड वाली सीरीज की सम चाहिए और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चाहिए सेकंड वाली सीरीज का। तो अगर कंबाइंड निकालना तो कैसे निकालूंगा, मीन ऑफ वन एंड टू दोनों के सम है ना, क्या करें दोनों के सम को प्लस कर दे। सम किसके इक्वल होगा, सिग्मा एक्स वन किसके इक्वल होगा, मीन ऑफ एक्स वन इंटू एन वन प्लस और एक्स टू का सम किसके इक्वल होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मीन ऑफ एक्स टू इंटू एन टू डिवाइडेड बाय दोनों के नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन वन प्लस एन टू ऐसे। तो कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है बेटा हमारे पास, कंबाइंड मीन ऑफ सीरीज वन एंड टू इज इक्वल टू एक्स बार वन एन वन प्लस एक्स बार टू एन टू डिवाइडेड बाय एन वन प्लस एन टू। कैसे, क्योंकि सम किसके इक्वल होता है, मीन इंटू नंबर के। तो इस वाली सीरीज का मीन इंटू नंबर, ऐसे इसका सम इक्वल होगा मीन इंटू नंबर के। देखते हैं बेटा क्वेश्चन, इफ एन वन इज इक्वल टू 60, एक्स बार वन इज इक्वल टू 40, एन टू इज इक्वल टू 40 एंड एक्स बार टू इज इक्वल टू 35। ये हमारा क्वेश्चन है बेटा, फॉर्मूला अप्लाई करो, एक्स बार वन एंड टू इज इक्वल टू एक्स बार वन इंटू एन वन प्लस एक्स बार टू इंटू एन टू अपॉन एन वन प्लस एन टू। एक्स बार वन एंड टू इज इक्वल टू मीन क्या है फर्स्ट सीरीज का, 40 इंटू 60 प्लस इधर से 35 इंटू 40 अपॉन में एन वन कितना है बेटा 60 और एन टू कितना है 40। तो मीन ऑफ सीरीज वन एंड टू इज इक्वल टू 2400 प्लस 1400 अपॉन 100 कुछ इस तरह से, जो किसके इक्वल होगा हमारा 3800 अपॉन 100 के। और मीन ऑफ सीरीज वन एंड टू इज इक्वल टू 38 और कंबाइंड मीन के आगे बेटा 38। अगर देखें इंडिविजुअल मीन इसका था 40, इसका था मीन 35 और दोनों का कंबाइंड मीन क्या आया है 38। तो ऐसे हम कंबाइंड मीन निकालते हैं। क्लियर हुआ बेटा सभी को? यस सर। ये था बेटा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ कंबाइंड मीन। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा हमारे पास थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, मेरिट्स ऑफ मीन, मीन के फायदे क्या हैं, मेरिट्स ऑफ मीन। फर्स्ट इज सिंपल, मीन की कैलकुलेशन सिंपल है। अगर हमें किसी भी सीरीज की सेंट्रल वैल्यू निकालनी है, सेंट्रल टेंडेंसी निकालनी है, तो कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मीन इज सिंपलेस्ट फॉर्म। देन सर्टेनिटी, सर्टेनिटी ज्यादा होती है अर्थमेटिक मीन की वैल्यू में। इट हैज नो स्कोप फॉर एस्टिमेटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू का कोई स्कोप नहीं है क्योंकि हमने यहां पर डायरेक्टली इसे कैलकुलेट किया है। थर्ड, बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, ये सभी वैल्यूज पर बेस होता है क्योंकि हम सभी वैल्यूज को कंसिडर करके मीन निकालते हैं। स्टेबिलिटी, वैल्यू स्टेबल होती है इसकी, देन एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट,
मीन कैन बी यूज फॉर फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. मीन की वैल्यू से हम फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, मीन्स आगे भी स्टैटिकल पर्पस में यूज कर सकते हैं. देन कंपेरिजन, मीन जब हमारा स्टेबल और सर्टेन होता है तो मीन को इजिली यूज कर सकते हैं फॉर कंपेरिजन पर्पज, कंपेरिजन करने के लिए भी. देन इट कैन बी यूज एज एक्यूरेसी टेस्ट, एक्यूरेसी टेस्ट के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं. कैसे? अर्थमेटिक कैन मीन कैन बी यूज या कैन बी टेस्टेड फॉर इट्स एक्यूरेसी एज अ रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द सीरीज. ये सीरीज की रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है, उस सीरीज में से ही कोई ना कोई वैल्यू हमें मिल जाती है. तो दैट्स आर द मेरिट्स ऑफ मीन. ये है बेटा हमारे पास मीन के मेरिट. सिंपल होता है मीन की कैलकुलेशन, सर्टेनिटी वैल्यू, सर्टेन वैल्यू हमारे पास होती है. एस्टिमेटेड वैल्यू का कोई रोल नहीं होता, सभी वैल्यू पर बेस्ड होती है. स्टेबिलिटी होती है इसमें, एल्जेब्रिक फर्दर ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसे, कंपेरिजन कर सकते हैं क्योंकि स्टेबल वैल्यू है, और इसकी एक्यूरेसी को टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि उस सीरीज में से ही कोई ना कोई वैल्यू ही हमारे पास निकल कर आती है. देन नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डीमेरिट्स ऑफ मीन. मीन के डीमेरिट क्या क्या लिमिटेशन है मीन की? फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज. एक्सट्रीम वैल्यूज का इसके ऊपर इफेक्ट होता है. कैसे? यह हमेशा बेटा एक्यूरेट नहीं माना जाता. हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि ये सही है. एक्सट्रीम वैल्यूज यानी बाहर की वैल्यूज का इफेक्ट इसके ऊपर कुछ ना कुछ हो जाता है, बाहर की वैल्यूज इसे अफेक्ट कर जाती हैं. देन वैल्यू मे नॉट बी इन द सीरीज. कभी कभी ऐसा भी होता है, हम ये कहते हैं मीन वैल्यू हमेशा उसी सीरीज से मिलती है हमें क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है. कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मीन वैल्यू सीरीज में होती ही नहीं है, बाहर की वैल्यूज में हमें मिल जाती है. देन अनसुटेबिलिटी, मीन हम वहां पर यूज नहीं कर सकते जहां पर हमें परसेंटेज प्रपोर्शन यूज करने होते हैं, प्रपोर्शनेट वैल्यूज हमें यूज करनी होती हैं, वहां पर हम मीन कभी कभी यूज नहीं कर पाते हैं. देन लाफेबल कंक्लूजन. लाफेबल कंक्लूजन मतलब कभी कभी इसका रिजल्ट ऐसा होता है हमें उस पर हंसी आ जाती है. कैसे? सपोज देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन क्लास ए एंड 45 स्टूडेंट्स इन क्लास बी, तो टोटल वी हैव 85 स्टूडेंट्स. और अगर इसके मीन निकालूं तो बेटा क्या निकलेगा? 42.5. तो 42.5 तो स्टूडेंट हो ही नहीं सकते हैं ना एक क्लास में. या तो 40 या 42 है, एक क्लास में 42 होंगे, एक में 43 होंगे, इस तरह से कुछ होंगे. 42.5 ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक स्टूडेंट को हम आधा आधा उस क्लास में बिठा दें. तो लाफेबल कंक्लूजन्स, कभी कभी इसके कंक्लूजन्स पर हंसी भी आती है, या ऐसे कंक्लूजन्स ऐसे निकल जाते हैं विच आर अ पार्ट ऑफ द जोक, जो जिसमें जोक सा लगता है. देन मिसलीडिंग कंक्लूजन्स. मिसलीडिंग कंक्लूजन भी होते हैं कभी कभी. क्या देखने के लिए हमें मिलता है बेटा कि अगर हमारे पास दो सीरीज हैं, दो सीरीज का मीन सेम आ रहा है, तो हम क्या होते हैं कंक्लूजन उसका मिसलीड हो जाता है, हम ध्यान से भटक जाते हैं. कैसे? कि दो सीरीज का मीन सेम आ रहा है, मतलब प्रपोर्शनेट उनका सेम होगा, दोनों सीरीज सेम प्रपोर्शन में मूव कर रही होंगी. बट देखने के लिए कभी कभी ऐसा भी मिलता है एक सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, एक सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, जिसकी वजह से उनको हम इंटरनली डिटेल्ड में डिफाइन नहीं कर पाते, उनके ऊपर स्टडी नहीं कर पाते. तो दैट इज मिसलीडिंग कंक्लूजन. हमें जो कंक्लूजन मिलता है उससे कभी कभी हम भटक भी जाते हैं. तो दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ मीन. तो बेटा यहीं पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है अर्थमेटिक मीन का. इसमें हमने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं,
हमने सारी इसकी थियोरेटिकल पोर्शन भी कर लिया है. तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. होप सबको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.